हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका छवि किचन में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कटहल का बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से सब्जी का रेसिपी। और अभी कटहल का सीजन भी शुरू हो गया है, तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए बनाना शुरू करते हैं। 500 ग्राम कटहल ले ली हूँ और ये मार्केट से कटा हुआ ही मिलता है यहाँ, और अच्छे से धो लिए हैं। अब 2 कटोरी पानी डालेंगे और बॉयल कर लेंगे। ये ज़्यादा बड़ा वाला कटहल नहीं है, ये छोटा वाला ही कटहल है। बड़ा कटहल रहने से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हल्का बॉयल कर लेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से फ्राई हो जाता है। लगभग 7 से 8 मिनट बॉयल कर ली हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये हल्का सॉफ्ट हो गया है और पानी छान करके ले ली हूँ मैं। अब चलते हैं सब्जी बनाने। कढ़ाई गरम कर लिए हैं। अब 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं। आप जो तेल खाते हैं वो डाल लीजिए। ऐसे तो सरसों का तेल खाना ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे सब्जी ज़्यादा हेल्दी बनती है। और अब बॉयल किया हुआ कटहल डाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कटहल का हल्का कलर चेंज हो गया है, हल्का फ्राई हो गया है कटहल। अब डाल लेंगे आलू। यहाँ मैं 3 आलू को बॉयल करके काट ली हूँ छोटे छोटे पीस में। आप कच्चा आलू भी ले सकते हैं। बॉयल किया हुआ आलू से सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है। कटहल बॉयल करते समय भीजा अलग हो गया था तो मैं निकाल करके रख दी थी, अभी डाल दी हूँ और साथ में फ्राई कर लेंगे। आलू और कटहल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और मिक्स कर लेंगे ताकि नमक आलू और कटहल में अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 1 मिनट हो गया। अब निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल और डालेंगे। तेल गर्म हो जाने से 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच राई डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 पिंच हींग। सभी मसाले को कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। और अब डाल लेंगे प्याज। यहाँ मैं 3 मीडियम साइज का प्याज को चॉप करके ले ली हूँ और तेल में मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। साथ में ही डाल लेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और मिक्स कर लेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। प्याज हल्का फ्राई हो गया है। अब 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी से फ्राई हो जाएगा। प्याज फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और मसाले डाल लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच रोस्ट किया हुआ कस्तूरी मेथी। हाथों से क्रश करके डाल लेंगे। कस्तूरी मेथी आपके पास है तो डाल लें, इसे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आती है। और मसाले को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए और जले नहीं। यहाँ मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। मैं कटहल के सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट साइड में रह गया था, अभी मैं डाल ले रही हूँ। आप मसाले के साथ में ही डाल लीजिएगा। यहाँ मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे तेल अलग होने तक, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई होगा तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। समय थोड़ा लगता है लेकिन सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब डाल लेंगे फ्राई किया हुआ कटहल और आलू। मसाले में मिक्स कर लेंगे और मसाले के साथ लगभग 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे तो मसाला अच्छे से सीट हो जाएगा सब्ज़ी में। लगभग 2 से 3 मिनट हो गया। अब डाल लेंगे पानी। यहाँ मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। सब्जी पकी हुई है तो आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे
पका लेंगे लगभग 7 से 8 मिनट। सब्जी पक गई है, अब डाल लेंगे गरम मसाला। यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच खड़ा गरम मसाला का पेस्ट डाल रही हूँ। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, यही सीक्रेट का बात मैं कर रही थी। खड़ा गरम मसाला का कैसे पेस्ट बनाना है और कौन कौन मसाला का पेस्ट बनाना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप जो गरम मसाला पसंद करते हैं और डाल लीजिए। अब ढक करके 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि गरम मसाले भी अच्छे से पक जाए और मसाला का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। लगभग 2-3 मिनट हो गया। अब बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। कटहल का बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई। एक बार ट्राई कीजिएगा और सब्जी का टेस्ट पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।